अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स वर्सेस गेमिंग। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से कि हमने पबजी मोबाइल का जो गेम है वो हमने पीसी पर किस तरह खेलना है, और जो कि इम्यूलेटर के थ्रू खेला जाता है, और इसके लिए कौन सा इम्यूलेटर बेस्ट होगा वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा और पूरा प्रोसीजर समझाऊँगा। जो कि मैं इस वीडियो में इम्यूलेटर यूज़ कर रहा हूँ वो है गेम लूप वाला, जो कि लेटेस्ट वर्जन अभी आया है 7.1, इसमें लैग के इश्यूज नहीं होते। और दूसरी बात ये कि मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो हमें लेट बनानी पड़ी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने पबजी का जो गेम लूप का जो वर्जन है 7.1 4.4, पहले जो वर्जन उसमें काफ़ी सारे इशूज़ थे, बग्स थे, तो इसमें कोई भी इस तरह का ना लैग का इशू है ना किसी चीज़ का मसला है। तो सबसे पहले आपने इसमें वाले लिंक पे जाना है, जो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक में जाने के बाद आप जब इस लिंक को ओपन करेंगे mega.nz, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद 1.5 MB का फाइल है, जो कि डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर कितना जल्दी हो। यहाँ पर होने के बाद फिर आप इसको ओपन करेंगे, जो डाउनलोड आपने यस कर देना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। सही, स्टार्ट करने के बाद जो कि मेरे से पहले से ही मैंने डाउनलोड करके रखा है, आपका क्या होगा, आपकी जो छोटी जो स्क्रीन आई थी उससे पहले जो उसी तरह उसमें ये पूरी गेम डाउनलोड होगी, उसके बाद इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल होने के बाद फिर इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपने यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी पबजी मोबाइल को भी डाउनलोड कर लिया है, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर पबजी होगा मोबाइल, जैसे यहाँ पर फ्री फायर है, डाउन ऑफ ज़ॉम्बीज़, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, VN, काफ़ी सारे गेम्स, यहाँ पर पबजी का भी होगा। अगर आपने जब आपने इंस्टॉल ना किया हो तब होगा, अभी मैंने किया तो मेरा साइट पे आ गया है। तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करें, जब डाउनलोड कंप्लीट होगा उसके बाद आपने इस पर प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। सही, प्ले पे क्लिक करने होने के बाद इसकी जो न्यू इंटरफेस होगा, इसका जो न्यू टैब होगा वो खुल जाएगा। अभी लोडिंग हो रही है, ये देख रहे हैं आप लोडिंग, ये स्टार्ट हो गई। 100 कंप्लीट होने के बाद इसका इंटरफेस आएगा। आप लोगों ने जैसे इसका इंटरफेस आता है, आप लोगों ने सबसे पहले गेम सेंटर से वो डाउनलोड करना होगा पबजी। पबजी डाउनलोड होने के बाद आपने यहाँ पर प्ले बांधना है। प्ले पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ आना है। ये स्टार्टिंग पबजी मोबाइल आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, और आप यहाँ पर ऊपर देख भी सकते हैं कि टर्बो AOW इंजन 7.1 बीटा वर्जन है ये। सही, पहले जो इससे था वो 4.4 था आई थिंक। अब ये स्टार्ट होने वाला, बस तकरीबन हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त गेम है ये, और आजकल सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह ये, जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह का होगा। ये मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है, तकरीबन 1 घंटे पहले किया है। तो क्या नाम है, आप जब ये इसको इस तरह करने के बाद आपने फिर सेटिंग्स में जाना होगा। सही, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने ग्राफिक्स पर जाना होगा। आपने जिस तरह की ग्राफिक्स रखनी है अपने कंप्यूटर के हिसाब से, अपने PC के हिसाब से, तो आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर FPS इसका भी कितना आ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ शो FPS पे क्लिक करेंगे, ये आप देखिए 35, 34, इसके FPS 50 तक 55 तक वैसे ही अबव जाता है। सही, इसके बाद आपने इसके कुछ रिसोर्सेज होंगे वो डाउनलोड करने होंगे। सबसे पहले आपने मैप्स डाउनलोड करने होंगे। सिलेक्ट मोड में जाने के बाद ये आप देखते हैं ये सारे मैप आपने डाउनलोड करने होंगे। सही, ये देख रही है मे बी, ये 3 दिन में ये गेम, ये क्या एरिना का जो ये वाला मिशन है, राउंड है, ये 3 दिनों बाद खुलेगा। इसी तरह का आपने इसने इसको भी डाउनलोड करना है। इस तरह के यहाँ पर एक क्विक मैच है, स्नैपर है, वार, ये भी आपने क्लासिक में आपने मैप से, लिविक है, इरेंजल है, मायरा मेरे सैन हो के विकेंडी, ये सारे आपने डाउनलोड करनी है। इसके बाद इसके कुछ रिसोर्सेज है जो कि यहाँ पर काफ़ी सारे होते, मैंने तकरीबन कर लिए हैं। ये जो है विंटेज रिसोर्सेज पैक, ये 18.1 MB, जो कि टोटल है 1131 MB है। जो क्लासिक रिसोर्सेज पैक है 155 MB कंप्लीट हो गया, और ये है टोटल कितने 1059 MB है। तो इस तरह इसको आपने डाउनलोड करना। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं टर्बो 7 AOW इंजन 7.1 बीटा वर्जन है गेम लूप का। इसमें
लेके बहुत ही कम इशू है, बहुत ही कम, बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनेटर है ये। अगर आप लोगों ने खेलना है पबजी को पीसी पर तो यही सबसे बेस्ट है। तो ये हमारी वीडियो इस हवाले से थी कि पबजी को किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से इम्यूनेटर के लिए बेस्ट होगा, जो कि गेम लूप का है 7.1 बीटा, और पबजी को भी मोबाइल पर हम किस तरीके से उसके ग्राफिक्स सेटिंग सब कुछ आप लोग अपने हिसाब से रख सकते। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो। अगर होप करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो काइंडली चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो ये वीडियो है इसको भी लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।